नमस्कार दोस्तों, हरी मैकेनिकल में आपका स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं ऐसा पंप जो है भूल कर भी कभी ना ले। इसमें देखिए खूबी और बुराई मैं दोनों बता रहा हूँ। इसको सबसे पहले यूट्यूबर लोग ऐसा दिखाते हैं कि इस कार को छेद कर देगा, गाड़ी को छेद कर देगा। ये साला जो है ग्रीस तक नहीं हटा सकता है, ये सिर्फ पानी ही पानी देता है। इसमें आप देखिए अब खर्च कितना है। इसमें जो है देखिए 3 फेज से ये चलता है। ये भी देख लीजिए, यहाँ पे इसका फ्यूचर है, सही से नहीं दिखाई देता हो। हाँ, अब सही से दिखाई दे रहा है। ये 3 HP का मोटर है, 3 फेज है, सिंगल पिस्टन है, यहाँ से ये स्टेबल है। ये इसका पुशर है, जो कि ये जो है 6 महीना में नहीं चलता है और ख़राब हो जाता है। और इसका दाम 13,000 रुपया है, ये पूरा भारी है। इसके बारे में ही मैं बताता हूँ। इसके बदले में ये लगाया है साहब ने, दाम 65,000, ज़मीन बनाइए। अब मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, एक टंकी बनवाइए, इसमें 2 नोजल निकला है, वायरिंग वगैरह करवा करके देखिए, 1 नोजल ये है, ऐसा ही 2 नोजल देता है। और दिखाता हूँ, जिसको वायरिंग करा के लाया है, एक यहाँ पे लगा है, अंदर से वायरिंग है और एक यहाँ पे लगा है। ये देखिए, अब हम इसको अब पावर दिखाएंगे। और इसके पहले मशीन का बात कर लेते हैं, चलिए मशीन की तरफ। इसमें अब जो है मशीन की अब बात करते हैं। ये जो है पुशर है, इसमें एक मिनट जा कैमरा को स्टैंड करने दीजिए। अब देखिए इसमें क्या रहता है, ये खराब क्यों होता है अब मैं बताता हूँ। जैसे खोल के कैमरा के अंदर दिख भी नहीं जाएगा, इस यहाँ पे रहता है। अब इसका साउंड देखिएगा, ये करता क्या है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको दूसरा तरीका समझाते हैं। ये जैसे मैंने रखा फोम, देखिए समझाने के लिए रखा। ये अंदर जो है इसका जो है एक वाशर, जो हवा का जो है ये जो है वाइब्रेटर को इसको रोकता है, उसके लिए यही लीक हो जाता है। लीक होने के बाद इसमें अंदर से पानी भर जाता है, यहाँ तक ये हिल नहीं पाता है। हिल नहीं पाने के कारण ये ख़राब हो जाता है। और दाम 13,000, वजन की इसकी बात करें तो ये भी 20 किलो से कम नहीं होगा, सिर्फ वजन ही वजन है इसका। अगर देखिए आवाज़ कितना वजन है, देखिए पूरा लोहा भर दिया है। अब इसका और दिखाते हैं, अब मैं थोड़ा सा स्टैंड से इसको निकालता हूँ। अब मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ, ये पानी देता है या प्रेशर देता है आप देख कर समझिएगा। अब चलाने से पहले मैं एक चीज़ और समझा देना चाहता हूँ,
इसका जो मैं ये पोर्टेबल का जो नोजल लगाया हूँ तो इसमें मैं होल बड़ा करवाया हूँ, अंदर दिखाई देता होगा नहीं देता है, इसका होल मैं बड़ा किया हूँ, जो साइज का इसका होल आता है वो होल डालता हूँ तो ये लोड नहीं लेता है। अगर ये खुल जाएगा अभी, क्योंकि मैं बहुत टाइट किया हूँ, यहाँ से लीक करता था, तो अगर खुल जाएगा तो मैं इसमें नोजल टिप्स का जो इसका होल का रहता है मैं उसको चालू करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा ये क्या देता है, कैसे कंपनी चूतिया बना बना के बेच रही है। अभी मैं चालू करता हूँ इसका, देखिएगा ये है इसका 3 फेज का स्विच, अब ये चालू हुआ, अब देखिए वहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ, इसी को कहते हैं प्रेशर। अब इसको मैं चौड़ा किया, देखिए इधर से दिखाई देगा, पानी गर्दा की तरह निकलना चाहिए तब प्रेशर होता है। इसको इसलिए होल बड़ा किया हूँ, अभी ये ऐसे किया ना तो ये गोल हो जाता, मैं उसी का साइज का इसमें होल किया हूँ तब। दूसरा नोजल ये है इसका, ये दूसरा नोजल है, ये सिर्फ पानी देता है, ऐसा नहीं है कि ये काट के निकाल देगा, ये ग्रीस तक नहीं हटा सकता है, और बोलेगा ट्रक में छेद कर देगा। हाँ देखिए ये कचरा इसका नहीं हटा सकता है, वो क्या हटाएगा। हाँ देखिए मैं यहाँ पे मारता हूँ, देखिए ये सिर्फ पानी ही पानी देता है, सिर्फ देख मोटा जो पानी देता है वही लगता है कि प्रेशर है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो इसको अभी सादा कर देता, अभी पोर्टेबल को मारिएगा तो ये सादा कर देगा। अब मैं इसको बंद करता हूँ, देखिए मैं उसी का जो है होल का छोटा करवाया हूँ, पानी के एथी से ही पता चलता होगा कि मैं इसका होल बड़ा करवाया हूँ, पोर्टेबल का इतना नहीं होता, उसी का साइज का 2 mm का होल करवाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। इसको तो आप लोग पहचानबे कर रहे होंगे क्यूब कनेक्टर है, यही साइज सबका आता है। मैं अब इसमें दिखाता हूँ, इसमें आपको यकीन दिलाने के लिए ये लोड लेता है या नहीं मशीन। मैं इसको ढीला कर दिया था, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा ये मशीन लेना चाहिए या नहीं, मैं सिर्फ दिखाने के लिए इतना कर रहा हूँ। और मैं इसको इसमें लगा दिया, थोड़ा सा होगा स्किप इसलिए कि स्टैंड से उतारना है हमको कैमरा और पीछे का चलाना है ना, और अभी आगे का इसमें कैमरा चल रहा है। देखिए लगा दिया, मैं यहाँ स्टैंड रखा हूँ यहाँ पे, अब मैं कैमरा मेरे पास हाथ में है,
ये देखिए नोजल टिप में लगाया, ये उसको निकाल के रखा। अब मैं मशीन के सामने से ही दिखाऊंगा क्योंकि उसको बंद करना होगा, वो लोड ही नहीं उठाता है। इसके बाद अब खर्चे के बारे में बताता हूँ। ये देखिए मैं वही स्टार्ट किया, ये स्टार्ट हो गया, वहाँ देखिए पानी दे रहा है। अब मशीन देखिएगा कैसे रोएगा, दोनों का सीन दिखाता हूँ। ये देखिए अब जब ये देखिए मशीन दबने लगा, देखिए दब गया ना, और देखिए अब ना तो ये प्रेशर है और ना तो ये मशीन में ताकत है। अब बंद कर देता हूँ नहीं तो गर्म होके ख़राब हो जाएगा। और देखिए इसका यही प्रेशर है, सिर्फ मैं बोलता हूँ ना पानी दे रहा है ये मशीन। ये देखिए प्रेशर है, इतना चूतिया बना बना कि ये लोग बेच रहे हैं। अब मैं इसको निकाल के मैं चलाता हूँ, देखिए यही पानी देता है जो लोग कहते हैं प्रेशर। अब मैं उसको चालू करके सिर्फ नोजल निकाल दिया हूँ। अब देखिए इसका पावर, इसको चलने में कोई तकलीफ नहीं है, उसे वो लोग कहेंगे प्रेशर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब झाड़ के कर दें ताकि लोग इससे बचें। इसमें जो खर्च नहीं तो एक मशीन लगाने में कम ये 65,000 का ये हो गया, भाड़ा हो गया, GST हो गया, ये वो करके इसमें 1.5-2 लाख रुपया का खर्च वो लोग बैठा देते हैं। रैंप बनाओ, ये फिक्स रहेगा जो कि कहीं हिलने वाला नहीं है। इतना रुपया लगा करके आदमी रो रहा है, ये लोग को कंपनी वाले को शर्म भी नहीं लगता है। और यूट्यूबर लोग भी ऐसे हैं जो कि सही बात बताते नहीं हैं कि इसमें ये है, एक गाड़ी को छेद कर देगा ये साले, झांट उखाड़ने का इसमें दम ही नहीं है, गाड़ी को छेद कर देगा। सिर्फ लोहा लोहा भर दिया है चारों तरफ से और बताता है कि ये कर देगा वो कर देगा, झांट उखाड़ देगा। मुझे तो गाली देने का इतना मन कर रहा है ना, लेकिन गाली दे देंगे तो यूट्यूब अपलोड नहीं करेगा, इसीलिए। ठीक है, वीडियो देखने के धन्यवाद। इसलिए इस मशीन में जो है ना तो फोम वाश होगा, क्योंकि फोम वाश के लिए आपको 100 बार चाहिए प्रेशर, और ये साला 30 बार देगा। 2-3 लाख रुपया पैसा फंसाता है इंसान, वो इंसान ना तो इसे फोम वाश कर सकता है ना सही से गाड़ी वाश कर सकता है। गाड़ी में डीजल मारो तो ये मारो साला, ये इतना गाली देने का हमें मन कर रहा है ना, साला कंपनी वाला गो चूतिया बना रहा है। इतना बिजली खा रहा है, 10 मिनट में 1 यूनिट का बिजली ये खाता है, और ना तो इसे फोम वाश होगा ना ग्रीस साला साफ नहीं होता है। ट्रक वाले भी साले गाली देके जाते हैं इससे, इधर रह गया उधर रह गया, इसलिए इसे फोम वाश नहीं हो सकता है कभी। और ना ही आप इसको जो है यूज करें, ना करते तो बढ़िया है, अपने पैसे को बर्बाद ना करें। सर्विस में कितना खर्च होता है ये सबको पता है, नहीं तो एक बार इसको खरीद लीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। नमस्कार।